यहाँ पर जो नंगा नाच हो रहा है इस पर एक्शन होना चाहिए। सरकार अगर अपनी गवर्नर की रिपोर्ट पर एक्शन नहीं कर रही है तो जो विरोधी विपक्षी दल हैं जो आवाज उठा रहे संसद में उनकी बात पर क्या सरकार कार्रवाई करेगी। पर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा है कि बक्सा नहीं जाएगा, गिरते से दुखी है। देखिए मैं अनुसूचित जाति समाज से आता हूँ, मेरे समाज का आदमी राजस्थान में मूंछ रखने में मार दिया गया, क्या एक्शन है? कुछ नहीं है। मटका छूने पे बच्चे को मार दिया गया, हम तो हमारे लोगों को भाई जूतियों में पानी पिलाया जा रहा है, हमारे लोगों को पेशाब किया जा रहा है, देश में पूरा अराजकता का वातावरण बन गया है, संविधान एक तरफ रख दिया गया है, जो हालात हैं वो हालात अब काबू से बाहर है। तो इसमें अगर प्रधानमंत्री जी को कहते हैं उनकी बात पर कोई यकीन किया करने की गुंजाइश मुझे नजर नहीं आती। सर मई से मणिपुर जल रहा था और सरकार को 2.5 महीने लग जाते हैं मां से मणिपुर कहने में, ये तो पूरा देश देख रहा है, ये तो पूरा देश देख रहा है कि प्रधान जब भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की कि अगर सरकार संज्ञान नहीं लेगी तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें एक्शन करना पड़ेगा, उस सिचुएशन में आकर के प्रधानमंत्री ने बयान दिया है। लेकिन सर इस देश पे जो महिला है वो एक राष्ट्रपति है और आदिवासी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो सुलु ट्राइब समाज से आती हैं, गरीबों को दर्द को वो अपनी भाषा में जब भी उनको मौका मिलता है वो अपनी बात को कहती हैं। और इतफाक से जो अनुसुईया उके जी हैं वो जो गवर्नर हैं इस समय मणिपुर की, वो भी अनुसूचित जनजाति समाज से आती हैं। दोनों जो टॉप पद पे बैठी हुई हैं अनुसूचित जनजाति समाज से हैं और अनुसूचित जनजाति समाज के साथ जो अन्याय हुआ है मुझे लगता है कि सरकार को इस पर त्वरित कार्रवाई करके देश को जवाब देना चाहिए। देश जवाब मांगता है कि कब तक ये देश चुप रहेगा, कब तक इस तरह के अत्याचार होते रहेंगे अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों पर। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से राज्यों को जोड़ा कि छत्तीसगढ़ राजस्थान, कैसे इसको देखते हैं जी? जिस तरीके से राजस्थान, देखिए साहब ऐसा एक आदमी ने चोरी कर ली तो दूसरे आदमी की चोरी का अगर हम एग्जाम्पल दें तो वो न्याय की बात तो नहीं होगी। जहाँ जहाँ गलती हो रही है, चाहे राजस्थान हो और चाहे मणिपुर हो, देश के जिस कोने में भी कहीं गलत चीज हो रही है, संविधान की उल्लंघना हो रही है, अन्य गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है, वहाँ की सरकारों को संज्ञान ले करके भारत के संविधान के तहत त्वरित कार्रवाई करके देश के लोगों को न्याय देना चाहिए। निश्चित रूप से देखिए मानव अधिकार आयोग बना हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय जो है मतलब मंच पर यह सारी आवाजें उठ रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी जाते हैं, देश के बड़े बड़े उद्योगपति जा रहे हैं, उनकी पत्नियां जा रही हैं, अंबानी नीता अंबानी कह रही हैं मैं बौद्ध की धरती से आई हूं और बौद्ध की धरती पर यह अत्याचार हो रहा है, इससे बड़ा मजाक और क्या होगा इस देशवासियों के साथ। लोग कह रहे हैं कि अमृतकाल है सर, ये देखिए ऐसा है, ये जो कुछ हो रहा है मैं ये कहना चाहता हूँ, जो कुछ हो रहा है पूरा देश इसको देख रहा है। मेरा ये कहना है जो कुछ हो रहा है पूरा देश इसको देख रहा है। सरकार जो कार्यविधि कर रही है देश का एक एक आदमी उसको ऑब्जर्व कर रहा है, वो बात अलग है कि देश का आदमी अभी रिएक्शन नहीं कर रहा है। जब मौका आएगा तो मुझे विश्वास है कि देश की 140 करोड़ आबादी इसका जवाब देगी। क्या कहेंगे? रुपए अंधविश्वास पे खर्च करके विदेश में जाते हैं, मैं खुद की धरती से आई, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। वो कहती है हमारे प्रधानमंत्री जी भी जब विदेश में जाते हैं वो हमेशा ये बोलते हैं कि मैं बौद्ध की धरती से आया हूँ, और नीता अंबानी ने भी उनका फॉलो करते हुए अभी जाकर कहा विदेश की धरती पे कि मैं बौद्ध की धरती से आई। लेकिन क्या कहेंगे सर? जी देखिए मेरा कहना यह, जो महिला है, अभी महिला पत्रकार हमारे बीच मौजूद है, महिला अगर महिला का दर्द नहीं समझेगी तो उससे और कौन समझेगा। मैं तो ये कहूंगा कि जो महिला पत्रकार है आपको भी इस पर पूरी अपनी जो है इस पर रिपोर्ट पेश करनी चाहिए, और ये जो अत्याचार हुआ है मणिपुर के अंदर इस पर आपको अपनी जो है ये पत्रकारिता के माध्यम से उन लोगों को न्याय दिलाने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। सरकार का ढीला रवैया रहा है निश्चित रूप से निश्चित रूप से क्योंकि वो महिला अनुसूचित जनजाति समाज से है, इसीलिए सरकार का ये जो दमरिया है उसका कारण यही है कि अगर वो सामान्य जाति की होती तो साथ मुझे लगता है कि इसमें कार्रवाई हो गई होती।